अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है सबके। दोस्तों सुबह मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने आपको दिखाया था कि कबूतरों को हल्का फुल्का नाश्ता कराया जा रहा था। तो इस वक्त 3:30 बज रहे हैं, अब कबूतरों को भूख लगी हुई है तो इनको हम दाना खिलाएंगे। दोस्तों ये तीन डब्बे हमने ब्रीडर जोड़ों के लिए दाना मिक्स किया है, ये इन तीनों डब्बों में, इसमें भी ब्रीडर जोड़ों के लिए और इसमें भी ब्रीडर जोड़ों के लिए, और एक जो डब्बा है वो पट्टी पट्टों के लिए, जो पट्टी पट्टे या बच्चे हैं उनके लिए हम गंदम और सरसों इस्तेमाल करते हैं, और जोड़ों के लिए गंदम, मकई, सरसों, खुरतम और चने इस्तेमाल करते हैं। तो चले दोस्तों बारी बारी सारे केजेस में कबूतरों को दाना डाल देते हैं। ये देखे दोस्तों दाना डालते हुए मेरी इस कबूतर पर नज़र पड़ी तो ये थोड़ा सा सुस्त हुआ हुआ था, तो मुझे शक पड़ा कि ये कुछ इसमें मसला है, बीमार हुआ हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बाहर लेके आया हूँ। तो इसका चेकअप करेंगे कि इसको क्या मसला है, और साथ में आपको भी दिखाता हूँ कि अगर आपके कबूतर में मसला है तो उसको किस तरह आप चेक कर सकते हैं। मैं इसका मुँह खोल के देखूँगा, और मुँह खोल के अगर आप, हाँ ये आप देख सकते हैं इसका मैंने मुँह खोला है तो सब इसका जो है जहर आबाद हुआ हुआ है, इसको मुँह का, गले का, जिसको हम कैंकर भी कहते हैं। ये बीमारी जो है काफ़ी कॉमन होती है कबूतरों में, ये आप देख सकते हैं जी सब पीले रंग का हुआ हुआ है इसका। तो कैंकर की वजह से इसको दाना खाने में भी मुश्किल पेश आ रही है। तो चले इसकी आँख भी अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं कि इन्फेक्शन की वजह से इसकी आँख के गिर्द भी थोड़ा थोड़ा गीला है, उस तरह ड्राई नहीं है जिस तरह होना चाहिए। तो चलें इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, और साथ में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कौन सी मेडिसिन यूज़ करने लगा हूँ। यह जी दोस्तों टैबलेट्स, इसका नाम है कार्निट्रिक्स, और ये हॉलैंड से मैंने इम्पोर्ट की है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग टैबलेट्स हैं और ख़ास करके कैंकर के लिए हैं, और आमतौर पर ये एक ही डोज, जो एक ही गोली काफ़ी होती है इलाज के लिए। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर ये टैबलेट्स हैं। तो इसको मुँह खोलें तो इस कबूतर, इसका जो ये येलो येलो, हम बिल्कुल भी नहीं छीलेंगे क्योंकि इसमें से खून निकल सकता है और फिर ये दाना पानी छोड़ देगा। तो इसके अंदर मैं ये टैबलेट इसको खिला देता हूँ, इसे टैबलेट खा लिए। दोस्तों इसको मेडिसिन मैंने खिला दी है, आपने देखा है अभी, और इसको भी मैं कोई निशानी लगा के वापस केज में ही छोड़ दूंगा और इसकी प्रोग्रेस देखूंगा कि क्या बनता है। दोस्तों कबूतरों में कोई भी मसला आए, बरवक्त इलाज बहुत ज़रूरी है, अगर आप डिले कर देंगे तो कबूतर एक्सपायर भी हो सकता है। तो इसलिए ये मेडिसिन मैं हमेशा अपने पास रखता हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई भी प्रॉब्लम आए तो फौरी इलाज उनका शुरू कर दें, और उम्मीद करते हैं कि ये कबूतर ठीक हो जाएगा। तो आपको इसके इस प्रोग्रेस भी मैं शेयर कराऊंगा आपके साथ। इसको मैं अभी एक मार्किंग लगा देता हूँ, ये ग्रीन कलर की, इसको मार्किंग लगा रहा हूँ पाँव में ताकि मुझे आसानी से मिल जाएगा। तो चलें अब इसको वापस केज में छोड़ देते हैं, और कल इसकी प्रोग्रेस देखेंगे कि मेडिसिन का क्या रिज़ल्ट आया हमारे पास। बहुत से दोस्त मुझे कमेंट्स में कहते रहते हैं कि हमारे साथ लोकल मेडिसिन भी शेयर किया करें। तो अगर आपको इस तरह की कैंकर का मसला आपको कबूतरों में आता है तो आप लोकली फार्मेसी से फ्लैजल ख़रीद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैजल की मोस्टली जो टैबलेट्स मिलती हैं वो 250 मिलीग्राम की मिलती है, 250 मिलीग्राम की टैबलेट का आप 4 हिस्से करके कबूतर को रोज़ाना एक एक हिस्सा दे सकते हैं,
यानी कि एक गोली आप 4 दिन में दें, एक पूरी गोली आपने नहीं देनी। तकरीबन 50 मिलीग्राम फ्लैजल टैबलेट का जो है ना कबूतरों को डोज काफ़ी होती है, तो आप वो भी कैंकर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक करें और कमेंट करें। अगर कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट से मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि आपको उसका भी रिप्लाई करूँ। और जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें।